यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। संगठनों द्वारा मंगलवार को आहुत भारत बंद का पलामू जिले में व्यापक असर देखा गया। बंद से आम जनजीवन बेहद प्रभावित हुआ। जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी बंद काफी असरदार रहा। जिले के विभिन्न प्रखंडों में सड़कें बिलान रही व हाट बाजार भी प्रभावित रहा। पाटन प्रखंड के नौडिहा, पालहे, कजरी सहित विभिन्न गाँव में सड़क मार्ग पर सन्नाटा पसरा रहा। आहुत भारत बंद के दौरान समर्थकों ने आरक्षण खत्म करने संबंधी भारी नारेबाजी करते हुए तमाम NH से यात्री व मालवाहक वाहनों का आवागमन पूरी तरह से ठप करा दिया। सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें सुबह से ही देखी गई। वहीं बंदी से निपटने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। पुलिस की गश्ती दल समर्थकों पर लगातार पैनी निगाह रखे हुए थी। सदर प्रखंड में तो भारत बंद का आलम यह रहा कि लोगों के लिए जिला मुख्यालय पहुंचना मुश्किल भरा काम हो गया। सिंगरा अमारत नदी पुल को बंद समर्थकों ने अहले सुबह से ही जाम कर आवागमन को पूरी तरह से ठप करा दिया। तब जाम की खबर सुन सदर अंचलाधिकारी शिवशंकर पांडे व सदर थाना प्रभारी ममता कुमारी सदलबत जाम स्थल पर पहुंचे, जहां पुलिस जवानों ने लाठियां चमकाई, जिसके बाद बंद समर्थक तीतर बीतर हो गए। फिर कुछ समय के लिए वाहनों का परिचालन शुरू हुआ, लेकिन जिला प्रशासन का यह प्रयास नाकाफी साबित हुआ। जाम कर रहे लोग भारत बंद को सफल बनाने में सक्रियता से जुटे रहे। हालांकि सदर CEO श्री पांडे ने भारत बंद को बेअसर बतलाया। इस दौरान तमाम निजी शिक्षण संस्थान और प्रतिष्ठानों में ताले लटके रहे। कई निजी विद्यालयों में पूर्व से ही छुट्टी की घोषणा कर दी गई थी। बंदी में हाल यह रहा कि गंतव्य तक पहुंचने में नागरिकों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। लंबी व मध्यम दूरी की यात्री बसें अपने पड़ाव में ही खड़े रहे, जबकि ऑटो रिक्शा का परिचालन भी काफी कम देखा गया। जिला मुख्यालय पहुंचने वाले तमाम चौक चौराहों की घेराबंदी कर बंद समर्थकों ने आवागमन को प्रभावित किया। मालवाहक वाहनों को जहां तहां खड़ी करने व टायर जला दिए जाने से मार्ग अवरुद्ध हुआ। बंदी की वजह से कोर्ट कचहरी में भी और दिनों की अपेक्षा आज सन्नाटा पसरा रहा। हालांकि आवश्यक सेवाओं को बंदी से मुक्त रखा गया था, लेकिन फिर भी आरक्षण खत्म करने की मांग पर बंद समर्थक एकजुटता के साथ पूरे दिन अड़े रहे। बंद समर्थकों ने बताया कि गैर जरूरतमंदों को आरक्षण प्रदान करना ही देश की प्रगति में मुख्य बाधक है। आरक्षण खत्म होना अब समय की मांग है। दिन के करीब तीसरे प्रहर सड़के पर थोड़ी रौनक लौटी। ऑटो रिक्शा का परिचालन होने से राहगीरों को भारी राहत मिली, जबकि दिन ढलने तक मुख्य बाजार के अधिकांश दुकानों के शटर गिरे रहे। बाजार में थोड़ी चहल पहल शाम के वक्त ही देखी गई। हुसैनाबाद स्थित दुमहरथा में भारत बंद के दौरान बंद समर्थकों ने दंगवार मोहम्मदगंज मुझ सड़क को घंटों जाम कर दिया। इससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वहीं हुसैनाबाद JP चौक पर समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की और बंदी को सफल बनाने में पूरी सक्रियता से जुटे रहे। इसी तरह पांकी प्रखंड में भारत बंद से आम जनजीवन बेहद प्रभावित रहा। बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। आवागमन बाधित होने से सड़कें बिरान रही। मंगलवार को सुबह से ही प्रखंड के कर्पूरी चौक व मस्जिद चौक पर सैकड़ों की संख्या में बंद समर्थक जमा होकर आरक्षण हटाओ इत्यादि गगनभेदी नारे लगाते हुए बंद कराने में सक्रिय रहे। हालांकि बंदी से निपटने के लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम प्रशासन द्वारा किए गए थे। भारत बंद के दौरान कहीं से भी अप्रिय वारदातों की सूचना नहीं मिली है। सर, ये बंदी को लेकर लोगों ने यहाँ पे रोड जाम रखा है, कुछ सर बता सकते हैं कि आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है? आज आरक्षण के विरोध में बंदी का आह्वान किया है लोगों ने, और सूचना मिली कि बंदी करने के लिए लोग रोड जाम किए हुए हैं। अभी सर हम पाटन उसी सूचना पर हम लोग यहाँ मूव किए जी जी, और अभी लोगों को समझा बुझा कर और वापस घर भेजा गया है। बंदी का असर बहुत ज्यादा नहीं है। नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अभी हम पाटन रास्ता से सर गुजर रहे थे, नौडिहा, पालहे वगैरह, मतलब दो चार जगह पर बंदी लोग किया है, लेकिन व्यापक पैमाने पर इसका असर नहीं है। गाड़ियां चल रही हैं और लोगों के जनजीवन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। सर अपना नाम बता दे। बंदी दर्शकों को अपना नाम? हाँ, मैं अंचल अधिकारी सदर मेदिनीनगर शिवशंकर पांडे, और अभी हम लोग यहाँ से बंदी को हटा करके पूरी तरह से शांतपुर। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं परमंडल का अपना चैनल सिटी न्यूज। अभी हम पहुँचे हैं पाटन प्रखंड में पालहे कला गांव, जो कि मेन रोड को आरक्षण को लेकर लोगों ने रोड जाम कर दिया है। यहाँ दो चाका से लेकर 10 चाका 12 चाका जो भी गाड़ी चल रही है
लोगों ने बंद कर दिया है, पूरी तरह जाम कर दिया है, जो कि लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। तो आइए देखते हैं यहाँ की स्थिति। मैं कैमरा मैन संतोष जी के साथ सुधाकर पांडे, सिटी न्यूज़ डालकरना। गाइस जो बंद किए हैं आप लोग आरक्षण के खिलाफ, कब तक की बंदी आपका चलेगा? शाम 5 बजे तक आरक्षण है हटे पर। आप क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा इधर देखिए, बंदी को लेकर जो बंदी में जो गाड़ी यहाँ से मतलब 2 चक्का से लेके 12 चक्का तक यहाँ पे कोई भी गाड़ी पार नहीं होगा। कौन जगह है ये? पाले गाँव है, जब तक आरक्षण बंद नहीं होगा तब तक गाड़ी नहीं चलेगी। 10 साल के लिए प्रथा यहाँ ये बंदी आरक्षण को लेकर आप सरकार को क्या उद्देश्य देना चाहते हैं? पूरा आज भारत बंद रहेगा, पूरा भारत आज बंद रहेगा। मैंने किस कारण को लेकर आरक्षण को लेकर मैंने क्या कहना है आप लोग के आरक्षण का? पूरा आरक्षण हटाइए, पूरा हम लोग को भी हटाए, उन लोग को भी हटना चाहिए, सब जनरल होना चाहिए, सबको हटना चाहिए, सबका अधिकार। जय राजपूताना।